उमरिया में सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें नगर पालिका ने अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाते हुए शासकीय जमीन पर बने कई निर्माण जमींदोज कर दिए। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर माफियाओं के अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। पूरे प्रदेश में एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उमरिया के कलेक्टर के निर्देश पर फजीलगंज स्थित सिद्ध बाबा के पास अवैध रूप से शासकीय भूमि पर निर्माण किए जा रहे मकान को ध्वस्त कर दिया गया है और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इसके साथ ही रीवा रोड एवं विनोवा मार्ग में भी दुकानों के बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरी कार्रवाई में नगर पालिका, राजस्व व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। शासन के भी निर्देश हमारे कलेक्टर महोदय भी स्पष्ट है और उनकी प्रमुख प्राथमिकता है कि जो सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण है उससे उमरिया शहर और उमरिया क्षेत्र को मुक्त किया जाए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। हमें नगर पालिका की टीम और राजस्व नजुल की टीम हम लोग संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि बगैर नगर पालिका की अनुमति से सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य किए जा रहे थे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।